Hindi, English. वेल मैं तो बहुत ही चकित हूँ और दंग हूँ अच्छे तरीके से Z5 का स्केल देख के और ये देख के कि इतने सारी भाषाओं में ये अब प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इसका कंटेंट अवेलेबल है. सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि न सिर्फ सबटाइटल लेकिन डबिंग में भी इन्होंने कंटेंट अवेलेबल किया है काफ़ी सारी भाषाओं में. सो आई थिंक कि सही में भारत के लिए एक भारतीय ऐप जिसमें भारतीय कंटेंट और इंटरनेशनल कंटेंट बहुत सारे भारत के वासियों के लिए और बाशिंदों के लिए अवेलेबल होगा. सो आई थिंक दैट्स रियली अमेजिंग एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा मैं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ और मेरा एक शो है जिसमें मैंने एक एपिसोड किया है उसके साथ इनकी शुरुआत हो रही है. दैट्स रियली एक्साइटिंग. नहीं, मुझे नहीं लगता है. मुझे लगता है कि फिल्मों का अलग चार्म है. मुझे लगता है कि फिल्मों का एक अलग रीच है. अब ये एक ऐसी ऑडियंस है जिसमें से शायद कई लोग थिएटर ना जाएं लेकिन अब वो अपने ऐप्स पे फिल्में देखेंगे. और ये एक्चुअली एक्सपीरियंस हमारा अनारकली और वारा के साथ हुआ जो शायद थिएटर में उतने लोगों ने नहीं देखी लेकिन जब वो टेलीविज़न पर आई और जब वो ऐप पर अवेलेबल हो गई और ऑनलाइन अवेलेबल हो गई तो बहुत सारे लोगों ने देखी. तो मुझे लगता है कि ये एक हमें इसे फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस के साथ कंपटीशन में नहीं देखना चाहिए. हमें इसे कॉम्प्लीमेंटरी तरीके से देखना चाहिए. नहीं, मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके प्रोड्यूसर्स भी आई एम श्योर काफ़ी कॉन्शियस होंगे. और 3 से 4 दिन में तो सर पायरेटेड फिल्में ही आती हैं. आई डोंट थिंक कि Z5 जैसा प्लेटफॉर्म कुछ भी ऐसी चीज़ में एंगेज करेगा. मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से नए किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन के डील्स हो सकते हैं, नए किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स इमर्ज होंगे जो ऑल इन ऑल दर्शकों के लिए और आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा. एंथम तो कमाल था. आई मीन इट वॉज लवली. बहुत ही अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया हुआ, बहुत बेहतरीन कैची म्यूजिक. सो आई रियली लाइक दैट. मुझे बहुत अच्छा लगा कि वी टॉक लाइक दिस राजा. बड़ा अच्छा लगा मुझे वो.